हेलो गाइस, मैं आपके बंगाली दीदी और आज एक नए रेसिपी के साथ दोबारा। एक्चुअली आज कोई ब्लॉग बनाने का इंटेंशन था नहीं मेरा, तो माहौल कुछ ऐसा बना कि मैं भी बीमार हूँ और राजीव भी बीमार है, दोनों को बहुत गंदा फीवर हो रखा है। और घर पे मैंने एक्चुअली 2-3 दिन पहले कटहल ला के रखा था जो ख़राब हो रहा था, जिसको मुझे आज एनी हाउ बनाना है, तो इसीलिए सडनली मैंने सोचा कि उसी को बना लेती हूँ थोड़ा झटपट तरीके से। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये शॉर्टकट तरीका आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो इसीलिए तो चलिए मैं पहले दिखा देती हूँ। एक्चुअली मैंने सारा चीज़ें रेडी कर दिया था। कटहल को ना धो के हल्दी और नमक में मैंने पहले उबाल लिया है, जो थोड़ा देर पहले से बॉयल हो रहा था। मैं तब तक नहा हुआ के फ्रेश होके आ गई। और यहाँ पे मैंने ना आलू छोटे छोटे 4-5 काट के ले लिया है, बड़े बड़े साइज में। लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज और टमाटर ले लिया है, जो मैंने धो के रख दिया है। अभी फटाफट हम लोग ये सब रेडी करते हैं। मेरा कटहल थोड़ा उबल चुका है, तो सबसे पहले ना ये उबला हुआ कटहल को हम उतार लेंगे और कढ़ाई बिठा देंगे। ये हरी मिर्च को हम लोग ग्राइंडर पे डाल देते हैं, लहसुन को भी डाल देते हैं, अदरक का थोड़ा बारीक टुकड़ा बना लेते हैं, फिर इसको भी डाल देते हैं। एक प्याज डाल दिया और ये टमाटर को ना बराबर टुकड़ा कर देंगे। एक टमाटर को ऐसे बराबर 8 टुकड़ा कर देंगे, हो गया। कढ़ाई गर्म हो गया है, हम ऐड कर लेंगे ऑयल। ओके, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर चला देंगे। कटहल है ना, इसको पानी निचोड़ लेते हैं, ठीक है। इसी में ना ये टमाटर डाल देंगे, इसी में ऐड करेंगे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, हल्दी पाउडर। अब इसी में ऐड कर लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। ये तीखा नहीं होगा, बस कलर और टेस्ट देगा इसमें। ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, फिर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, फिर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। इस पे मैंने हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, मस्टर्ड ऑयल और नमक ऐड कर दिया है। तेजपत्ता को फाड़ के दे दिया है 3, और 2 टमाटर को बड़ा बड़ा टुकड़ा करके डाल दिया है, ठीक है। अभी इसमें जो हमने ले रखा था ना प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च, इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे। तो चारों तरफ से ना लाल करके भून लेंगे। अभी देखिए ये फ्राई हो चुका है ना, निकाल के ना इसे कटहल में डाल देंगे। इसमें ना डाल देंगे ऑयल थोड़ा और, क्योंकि मसाला भुनेगा ना, थोड़ा ऑयल नहीं होगा, कटहल भी ऑयल बहुत खींचता है। अब जो मसाला हमने पेस्ट करके रखा था उसको तो इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये मैं एक्चुअली ना इसलिए कर रही हूँ ताकि अलग से कटहल को भूनना ना पड़े, अलग से मसाला को भूनना नहीं पड़े, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इकट्ठा इनको मिक्स कर दिया ना, एक ही साथ बन जाएगा। अब ना ये सूखा मिर्च को देंगे बीच से तोड़ के, और
साथ में डाल देंगे। जीरा भी दिया है ना, तड़के में थोड़ा जीरा डाल देंगे। फिर डाल देंगे ये प्याज, अब देखिए हमारा प्याज भुन चुका है ना, इस स्टेज पे हम लोग मसाले को ना इसमें डाल देंगे। जो लोग नॉनवेज पसंद करते हैं इस पैटर्न का सब्जी से ना उसका भी फ्लेवर आएगा, जैसे कि मैं, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली नॉनवेज खाना, पर राजू ने छोड़ रखा है नॉनवेज, तो इस चक्कर में घर पे नॉनवेज बनता नहीं था। कभी कभार मैं लाके अपने लिए बना लेती थी, और अभी हमने जहाँ पे शिफ्ट किया है तो घर पे भी नॉनवेज अलाउ होंगे, तो अभी मैं घर पे नॉनवेज बनाती नहीं हूँ, सिर्फ वेज बनाती हूँ। हाँ, राजू के साथ से मेरा एक डील हुआ है, महीने में एक बार वो बाहर ले जाके मुझे नॉनवेज खिलाते हैं। उतना क्रेज मुझे भी नहीं है कि मैं खाना ही है, वैसा कुछ नहीं है, हाँ कभी कभार मन करे तो बाहर जाके खा लेती हूँ। ये तो हो गया शॉर्टकट वाला, मुझे कटहल का और भी बहुत सारा रेसिपी आता है, बहुत ही अच्छा अच्छा, वो बना के भी दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, मैं खाऊंगी आप लोग सीखना और फिर खुद भी बना के खाना। खाना कैसे बना रही है, इतना बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इसी वजह से बना रही हूँ, तो सच मैं आप नहीं बनाती हूँ। और टाइमिंग भी तो देखो ना, ऐसा नहीं कि बीमार पड़ी तो राजीव बना के खिला देगा, पहले वो पड़ा, बाद वाला दिन मैं पड़ गई, मेरा नसीब ही ऐसा है कि बीमार पड़ू तब भी सिचुएशन ऐसा होता है, सामने वाला भी बीमार तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। मैंने ना मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें ना हम लोग पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पहले का मसाला का पानी इसको डाल देती हूँ, और थोड़ा सा लीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा बनाऊँगी, क्योंकि राइस के साथ खाऊंगी इससे ज़्यादा। ये थोड़ा और पानी ऐड कर दिया, ठीक है, अब इसको ढक देंगे और आग कम कर देंगे। 10 मिनट हो गया है, ठीक है, अब इसको उठा के देखते हैं कंडीशन में, एकदम अच्छे से पक के बन चुका है, ठीक है, अभी तो इसको उतारूंगी। तो इससे पहले मैं इस पर ऐड करूंगी फूटा हुआ खड़ा मसाला, इसमें ना इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और भी क्या क्या मिलाया हुआ है, ठीक है, मीन्स खड़ा मसाला जो होता है ना वो सारा है इसमें, इसको ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। थोड़ा सा ना घी ऐड कर दूंगी मैं इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवर के लिए। ये एकदम थोड़ा तीखा ही है क्योंकि आज मुँह का गन मुँह में कोई टेस्ट नहीं है, तो मैंने जानबूझ कर थोड़ा तीखा ज़्यादा करके बनाया, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अभी मैं खाती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।